गाइस अगेन वेलकम टू अ न्यू वीडियो। ओके सो अब जा रहे हैं फाइनली SRCC जा रहे हैं। अब देखो सब जगह एंट्री तो मिल चुकी है, मुझे जो लग रहा है अंदर से कि इधर भी मिल जानी चाहिए, सब कुछ सही रहता है तो यही है क्या। बच्चे यहाँ पर टाइम पास में है और उनसे टाइम पास कराया नहीं रहता, ड्यू ज्यादा टाइम पास करने के बोले यहाँ तो वो आगे बढ़ना है, यू विल गेट योर रोड, बट भटकने के लिए बहुत आसान है। सो हे व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज हर्षद, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो भैया वन ऑफ द मोस्ट ऑफ वेटेड वीडियोज हेयर, मतलब जो SRCC द किंग ऑफ कॉमर्स कॉलेज कहा जाता है, मतलब जो कॉमर्स स्टूडेंट है मतलब उसने एक ना कभी तो सोच रहे हो कि भैया SRCC आना है, ठीक है, सबका ड्रीम कॉलेज होता है। तो हम एंटर हो गए SRCC में, कैसे जो बहुत जुगाड़ लगाया, आधा घंटा लगा। तो SRCC का पूरा कैंपस आपको दिख रहा है, बहुत क्रेजी कैंपस है, लाइक सच बताऊँ कि कोई और DU का कॉलेज बिल्कुल मुझे मतलब स्टीफेंस लगा था थोड़ा सा अच्छा, लेकिन ये स्टीफेंस से भी मुझे डबल अच्छा लगा। एंड बाकी कोई भी कॉलेज हिंदू वगैरह तो कंपेरेबल थे ही नहीं, बहुत बड़ा कैंपस था। एंड आगे जाके जो आपको बास्केटबॉल कोर्ट स्विमिंग पूल था वो तो क्रेजी है, बट वो ये देखो ये पूरा ग्राउंड है उनका। एंड जो अंदर उनके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रखा है जहाँ पे पूरा बास्केटबॉल स्विमिंग जो अभी बंद था, लेकिन हमें थोड़ी एंट्री मिल गई, बास्केटबॉल कोर्ट तो चले गया था लेकिन बाकी स्विमिंग पूल वगैरह बंद था अभी ड्यू टू लाइक XYZ रीजन जो भी थे। बट गाइस कैंपस वॉज क्रेजी, इतना बड़ा कैंपस, क्लासेस थी, एंड सच बताऊँ क्राउड बाकी DU का मुझे इतना मतलब एवरेज लग रहा था, लेकिन ऑन द अदर हैंड SRCC क्राउड मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ एवरेज है, थोड़े बेकार लोग, मतलब बेकार इन द सेंस कि क्राउड ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे SRCC इन शॉर्ट बोलूँ तो। तो या हमने कैंपस घूमा, मैं पूरा घूमा, मैंने कुछ स्टूडेंट से मिला विला, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब काफ़ी लोगों ने मना कर दिया, मैंने शूट नहीं किया उनके साथ। लाइब्रेरी वगैरह थी, क्लासरूम्स वगैरह भी अच्छे थे, ऐसा नहीं बेकार थे, क्लासरूम्स भी अच्छे थे, बिल्कुल प्रॉपर थे कि हाँ उधर पढ़ाई हो सकती है। भाई कैंपस तो भैया DU के पता ही है, सारा ग्रीनरी वगैरह दिख रही थी, पेड़ वगैरह बहुत थे, मतलब ठीक है, सराउंडिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी। ओवरऑल कैंपस की बात करूँ DU का बेस्ट कैंपस यही SRCC, तो ड्रीम कॉलेज फॉर अ रीजन है। ओके सो गाइस बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखो आप में से काफी लोग सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, इस साल भी लाइक काफी डेट्स बची हैं काफी लोगों की, इनफैक्ट जो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में भी लोग काफी प्रिपेयर अभी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये CVT अब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जितने भी टॉप DU के कॉलेज थे ऑल ओवर इंडिया जो गवर्नमेंट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनके एडमिशन CVT के थ्रू होते हैं। तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि ओसवाल की गुरुकुल CVT की जनरल टेस्ट क्वेश्चन बुक है। इस क्वेश्चन बुक में आपको 1800 प्लस क्वेश्चन MCQs मिलेंगे, लाइक रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, आपका क्वांट्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया। गाइस ये बुक बेस्ड है जो ऑफिशियल नोटिस था NTA का जो लेटेस्ट था 6th अप्रैल 2022 का, उस पर बेस्ड है बुक। एंड आप इस बुक को यूज करोगे तो आपको जो टेस्ट पैटर्न स्ट्रक्चर है वो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज जो मुझे लगी इस बुक में वो है कि जो भी आपके टॉपिक्स वगैरह सेक्शन है आपके उन सेक्शन के सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह भी मेंशन है इस बुक के अंदर, तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाएगा प्रिपेयर करना है। स्पेशली अगर कोई एंड टाइम में प्रिपेयर कर रहे हैं तो भैया उसकी तो बेस्ट चीज है। एंड जो स्टार्टिंग से भी कर रहे हैं उनकी रिविजन बहुत इजीली हो जाएगी, इफेक्टिवली हो जाएगी इसके। तो गाइस मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा इस बुक को जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं CVT के लिए 2022 या फिर 2023 या फिर जितने भी किसी भी घर के प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा, जाओ चेकआउट करो। जनरली मैंने इस बुक को खुद देखा, एनालाइज किया, तभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। प्रत्युष ये बताओ आपको DU बढ़िया लगा NMI में, क्या रिव्यू है आपका? आई लव DU, DU इज द बेस्ट थिंग एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट आर इन DU कैन नॉट बी नेगेटिव। बस एक क्लियर बात करता हूँ, लाइक बी ऑनेस्ट, कि क्राउड की बात की जाए तो क्राउड इज बेटर, क्राउड इज बेटर इफ यू वांट टू लाइक से इन पर्सपेक्टिव ऑफ द ग्लैमर, यू वांट टू से इन पर्सपेक्टिव ऑफ द फ्यूचर द पीपल आर बिल्डिंग, तो NMI में। बट कैंपस लाइफ इज ऑफ कैंपस लाइफ इज हियर बेटर, और लोगों के एम्स यहाँ पर जो है, जो बच्चे एक्चुअली क्या है 50 हर डिवाइडेड है, हर टाइप के बच्चे मिलेंगे, और जो बच्चे यहाँ पर सीरियस है उनको कोई नहीं बीट कर सकता, वो आगे ही जाने हैं, वो डेड सीरियस है बच्चे मिलेंगे। बड़ा जो बच्चे यहाँ पर टाइम पास में है और उनसे टाइम पास कोई कराया नहीं रहता, DU ज्यादा टाइम पास करने के बोले यहाँ तो वो आगे बढ़ना है, यू विल गेट योर रोड, बट भटकने के लिए बहुत आसान है। NMI से उनको भटकने का मौका नहीं मिलेगा, दे कीप यू सीरियस। NMI इज लाइक ऑल अबाउट एकेडमिक्स, है ना, इट्स ऑल अबाउट एकेडमिक्स, बट यहाँ पर यही है एकेडमिक्स प्लस लाइक व्हाटएवर यू वांट टू डू प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत फोकस करता है। जैसे अगर तुम पढ़ाई तो तुम कर ही रहे हो, पढ़ाई तो हर बच्चा कर रहा है, तुम आपको आपको स्पेशलाइजेशन क्या है, आपके अंदर आपको स्पेशल क्या है जो आपको लोग चूज करें आगे जाके, आपको कुछ बनना है तो आप उसके साइड में आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, इंटर्नशिप करनी पड़ती है, उसके जो अलग क्लब सोसाइटीज जो DU के अंदर ऑफर करती हैं, जो नॉलेज ऑफर करती है, वो और NMI वो नहीं करता। NMI आपको रियल लाइफ में लेके जाता है, DU आपको रियल लाइफ में लेके जाता है, आपको दिखाता है कि असली लाइफ में कैसे आपको कैसे फोकस करना है। एंड प्लस साथ में भी कॉलेज मजे करने के बाद आपको मजे भी मजे तो यहाँ पर बहुत मजे हैं, यहाँ पर मजे की तो नहीं लिमिट नहीं है, क्योंकि दिल्ली भी है, दिल्ली के अंदर ऐसी बात तो है नहीं घूमने की जगह, टाइम पास है, नहीं जगह है, क्लब्स है, रेस्टोरेंट्स है, लॉन्च है, यहाँ पर पूरी नाइट लाइफ है, ऐसी बात तो है ही नहीं कोई।